मूवी की शुरुआत साल 1845 के एक फ्लैशबैक के साथ में होती है। एक एग्जॉर्सिस्ट प्रीस्ट और कुछ कैथोलिक फॉलोअर्स ने एक लेडी को एक पेड़ से लटकाया हुआ था। वो लोग अब उसके फेस पर एक मास्क लगाकर उसको जिंदा ही जला देते हैं एंड वो एग्जॉर्सिस्ट प्रीस्ट उस लेडी की सोल को एक कर्न बेबी डॉल में कैद कर लेता है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहां पर हम जेरी फेन नाम के एक रिपोर्टर को देखते हैं। जेरी एक जमाने में बिग शॉट न्यूज टीवी एंकर हुआ करता था। वो फेक न्यूज फैला के फेमस बना था और पैसा कमाया था, लेकिन एक ऐसे ही फेक स्कैंडल में फंसकर उसकी जॉब, पैसा और इज्जत सब कुछ लुट गया था। अब वो मैसाचुसेट्स के एक स्मॉल लोकल ऑनलाइन टैबलॉइड के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सेंसेशनल न्यूज को कवर करता था। वो अब एक स्मॉल टाउन बेनफील्ड में लोकल फार्मर के पास में आया था जिसकी काउ के ऊपर किसी ने अत्याचार किए थे, लेकिन जेरी को ये न्यूज मसालेदार नहीं लगती एंड वो उसको छोड़कर जाने लगता है एंड वहाँ पर उनकी मुलाकात फादर हेगन से भी होती है। तभी उसको वहाँ के एक सूखे पेड़ से आवाज सुनाई देने लगती है। ये वही पेड़ था जिसमें उस लेडी को 1845 में जलाया गया था। ये चर्च के बिल्कुल बगल में था। उस पेड़ पर एक रेवन बर्ड भी बैठा हुआ था। खैर, जेरी को उस पेड़ के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है एंड वहाँ पर उसको एक कर्न बेबी डॉल मिलती है। उसे चेन से बांधा गया था और उसके ऊपर डेट लिखी हुई थी February 31, 1845, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं थी क्योंकि फेब के महीने में 31 डेज होते ही नहीं है। अब यहाँ पर फार्मर उसको देखकर ये कहता है कि ये कर्न बेबी डॉल्स हैं, जिसे अक्सर फार्मर्स गुड लक के लिए अपने फार्म में गाड़ देते हैं। अब इसको देखकर जेरी के मन में एक खुराफात जागती है। वो उस कर्न बेबी डॉल को तोड़ देता है और उस फार्मर को उसके साथ खड़ा कर देता है। वो न्यूज रिपोर्ट में ये लिखता है कि फार्मर की खेत में एक एंशियंट डॉल मिली है जिसके बाद में उसकी काऊ के साथ में सैटैनिक अत्याचार होने लगे हैं। डॉल से निकले हुए डीमंस काउस पर अत्याचार कर रहे हैं। बेसिकली वो एक फेक स्टोरी को क्रिएट करता है अपने सर्वाइवल के लिए। खैर, अब रात में जेरी वापस जा रहा था कि तभी अचानक एक लड़की उसकी कार के सामने प्रकट हो जाती है। वो बैलेंस खो देता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जेरी उस लड़की को देखने जाता है जो कि चलते ही जा रही थी। वो जाकर उसी एग्जैक्ट पेड़ के सामने बैठ जाती है। वो काफी ज्यादा पजेस्ड स्टेट में थी जहाँ पर वो जेरी को थैंक्स कहती है। लेटर ऑन वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जेरी उसे उठाकर चर्च की तरफ लाता है जहाँ पर उसको फिर से फादर हेगन्स मिलते हैं। इस लड़की का नाम एलिस था और फादर हेगन्स उसके अंकल थे। अब एलिस बचपन से ही ना तो सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी। अब वहाँ पर उसकी फैमिली डॉक्टर नेटली गेट्स आकर उसको चेक करती है। एलिस को यहाँ पर होश आता है और वो नेटली से साइन लैंग्वेज में बात करती है। जेरी ये सब देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाता है, एज कुछ ही देर पहले उसने एलिस को बोलते हुए सुना था। नेटली लेटर ऑन जेरी को एक चीप मोटल पर ड्रॉप कर देती है और ये कहती है कि उसको शुक्र मनाना चाहिए कि वो पुलिस के पास नहीं गई है, क्योंकि सभी लोगों को जेरी के फेक होने के बारे में मालूम था एंड वो कितना बड़ा अल्कोहलिक बन चुका था। अगली सुबह जेरी एलिस को चेक करने जाता है जहाँ पर चर्च में प्रेयर चल रही थी। एलिस यहाँ पर मैरी के स्टैचू के सामने बैठी हुई थी एंड उसको कुछ वॉइसेस सुनाई देती हैं एंड उसके चलते वो अचानक ही बाहर चली जाती है एंड उस चर्च में आई सभी लड़कियाँ भी उसको फॉलो करने लगती हैं। वो सभी लड़कियाँ पजेस्ड होकर एक लाइन में चल रही थी जो कि एलिस के पीछे पीछे जाती हैं। एलिस उसी पेड़ के सामने जाकर रुकती है जहाँ पर उसे एक लेडी की सोल दिखाई देती है। फादर हेगन, जेरी और बाकी सभी लोग अब एलिस को फॉलो करते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे ही फादर हेगन एलिस को छूते हैं, एलिस पहली बार बोलती है। वैसे तो वो दूसरी बार बोली थी, लेकिन सभी के सामने पहली बार। वो ये कहती है कि यहाँ पर एक लेडी है, वो सबको कल फिर से यहाँ पर आने के लिए कह रही है एंड उनका नाम मैरी है, यानी कि मदर मैरी। वहाँ पर आए सभी लोगों को ये एक मिरेकल लगता है, एज वो सभी एलिस को बरसों से जानते थे। उन्हें पता था कि वो डेफ है एंड बोल भी नहीं सकती। उन्हें ये मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट मैरी का मिरेकल लगता है। नेटली भी मैरी को बोलते हुए देखकर शॉक्ड हो जाती है और वो उस पर कुछ टेस्ट भी कंडक्ट करती है। टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल था, जिससे वो खुश भी थी और काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड भी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जेरी अब अपनी पुरानी न्यूज चैनल की एम्प्लॉय मोनिका को कॉन्टेक्ट करके ब्रेकिंग न्यूज के बारे में कहता है। वो ये कहता है कि एक कहानी है जो कि सच है, बट मोनिका उस पर यकीन नहीं करती क्योंकि जेरी के झूठ की वजह से कई सारे एम्प्लॉयज की जॉब चली गई थी। लेटर ऑन उस रात जेरी को एक सपना आता है एक ओल्ड
हाउस के सामने एक झरना बह रहा था एंड उसके अंदर से एक ब्लैक फेस वाली स्पिरिट बाहर आती है और जेरी पर हमला कर देती है। जेरी अब इसी नाइटमेयर के साथ में उठता है जहां पर उसके ऊपर पानी बह रहा था एंड सीलिंग के ऊपर ब्लैक मोल्ड थे। अगले दिन एलिस से मिलने कई सारे लोग आए हुए थे जिसके अंदर एक फिजिकली चैलेंज्ड बच्चा भी था। एलिस उसके पास जाकर उसे मैरी पर विश्वास रखने के लिए बोलती है, उसे उठकर चलने के लिए बोलती है एंड शॉकिंगली देखते ही देखते वो बच्चा भी पहली बार चलने लगता है। वहां पर आए हुए लोग एलिस के सामने झुककर प्रे करने लगते हैं। ये भक्तों से भरा क्रिश्चियन टाउन था इसलिए आस्था डीप थी। जेरी इन सब चीजों को रिकॉर्ड करता है जो कि अपेरेंटली अब एक इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है। अब बोस्टन से बिशप गेल्स आते हैं जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि दुनिया में मदर मैरी के 3 मेन श्राइन्स हैं जहां पर लाखों लोग डेली विजिट करते हैं। उन प्लेसेस पर भी मदर मैरी ने मिरेकल्स किए थे। उस टाइम पर भी वेटिकन ने उनकी वैलिडिटी को टेस्ट किया था एंड उन्हें श्राइन के तौर पर मान्यता दी थी। बिशप गेल्स अब वेटिकन से आए हुए एग्जॉर्सिस्ट प्रीस्ट मॉनसिनियर डेलग्रेड को सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फादर मॉनसिनियर ये कहते हैं कि किसी भी मिरेकल को मिरेकल मानने के लिए 3 टेस्ट में पास होना जरूरी है। पहला ये कि मिरेकल करने वाले को किसी भी बीमार आदमी का इलाज करना होगा जिसका इलाज नामुमकिन हो यानी कि इनक्योरेबल। दूसरा, इलाज तुरंत होना चाहिए एंड तीसरा, इलाज कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पर फादर मॉनसिनियर काफी ज्यादा स्केप्टिकल थे एज उन्होंने काफी सारे केसेस को झूठ साबित किया था। जेरी अब बिशप गेल्स एंड फादर मॉनसिनियर से एलिस का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मांगता है एज एलिस उससे कंफर्टेबल थी। जेरी एक एथियस्ट था इसलिए बायस्ड नहीं था। उसकी खराब इमेज के बावजूद भी बिशप गेल्स उसको एक सेकंड चांस देते हैं एज एवरीवन डिजर्व्स ए सेकंड चांस। फादर हेगन भी यहाँ पर थोड़े से स्केप्टिकल थे। उन्हें वो टूटा हुआ कर्न बेबी डॉल उस ट्री के पास ही मिलता है जिसे जेरी ने तोड़ दिया था। हमें यहाँ पर फिर से वही ब्लैक फेस वाली स्पिरिट भी दिखाई देती है जो कि उसी पेड़ से निकलती है जो कि फादर हेगन पर हमला करने ही वाली थी लेकिन वो बच जाते हैं। अब जेरी फादर हेगन से मिलता है जो कि उसके और एलिस के इंटरव्यू से खुश नहीं था एज यहाँ पर फादर हेगन को ये लग रहा था कि कहीं वो एलिस का फायदा ना उठा ले। तभी फादर हेगन मार्टिन लूथर किंग को कोट करते हुए ये कहते हैं कि जहाँ पर गॉड अपना चर्च खोलते हैं वहाँ पर डेविल अपना घोंसला भी बनाता है यानी कि डेविल इन जैसे मिरेकल से अट्रैक्ट होता था। वो एलिस को लेकर चिंतित थे एज उनको ये लगता था कि उस पर अब डिमोनिक हमला होने का चांस है। एंड यहाँ पर एक और बात थी कि फादर हेगन स्टेज 4 लंग कैंसर से जूझ रहे थे, उनके पास टाइम काफी कम था। नेक्स्ट हम फादर मॉनसिनियर एंड जेरी को चर्च में देखते हैं जहाँ पर एलिस बहुत ही अच्छा सॉन्ग गाती है। तभी फादर हेगन तड़पते हुए गिर जाते हैं, उन्हें हार्ट अटैक आने लगता है। एलिस उनके पास जाकर अपनी श्रद्धा को मैरी पर रखने के लिए कहती है एंड जैसे ही फादर हेगन हाँ करते हैं एलिस उन्हें छूकर उन्हें क्योर कर देती है, मतलब कि एक ही पल में उनका कैंसर ठीक हो जाता है। उसके बाद में फादर हेगन को एलिस के पीछे उसी ब्लैक स्पिरिट का फेस दिखाई देता है जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जाते हैं यानी कि श्योरली ये कोई मदर मैरी तो नहीं थी। फादर मॉनसिनियर भी इसको देखते हैं और हैरान हो जाते हैं, उनकी 3 कंडीशंस पूरी हो गई थी। फादर हेगन काफी टाइम से बीमार थे, उनका कैंसर इनक्योरेबल था, उनका इलाज तुरंत हुआ था एंड बिल्कुल कंप्लीट भी था। लेटर ऑन बिशप गेल्स आकर बैनफील्ड को श्राइन डिक्लेयर कर देते हैं। एलिस इंटरनेशनल कल्ट फिगर बन जाती है। जेरी को भी मोनिका की तरफ से ऑफर्स आने लगते हैं जहां पर वो अपनी एडिटर पोजीशन वापस मांगता है। अब बैनफील्ड के कुछ लोकल्स इससे डर कर टाउन को छोड़कर जाने लगते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये डेविल का काम भी हो सकता है। जेरी डॉक्टर नेटली के साथ एक डिनर पर जाते हैं जहां पर वो उसे कर्न बेबी की स्टोरी बताता है। डॉक्टर नेटली ये कहती है कि कर्न बेबीज को फार्मर्स गुड लक के लिए गाड़ते थे बट उन्हें इविल स्पिरिट्स को कंटेन करने के लिए भी यूज किया जाता था और उन पर एक इम्पॉसिबल डेट लिखी जाती थी ताकि लोग समझ जाएं कि ये इविल है। जेरी इससे थोड़ा सा डर जाता है एज उसने पहली स्टोरी के चक्कर में उस डॉल को तोड़ दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो डॉक्टर नेटली के साथ वॉक पर गया था। ये दोनों उसी झरने वाले प्लेस पर आते हैं जिसे जेरी ने अपने सपने में देखा था। ये चर्च की ही प्रॉपर्टी हुआ करती थी जो कि अब वीरान पड़ी हुई थी। जेरी का एलिस के प्रति फेथ अब क्रैक होने लगा था। उसे उस झरने के पानी में वो ब्लैक स्पिरिट फिर से दिखाई देती है। फादर हेगन को भी चर्च में एक डायरी मिलती है जो कि 1845 के प्रीस्ट की डायरी थी। उसके अंदर सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ था।
फादर हेगन को यहाँ पर इन सभी मिरेकल्स के बारे में सच्चाई पता चल जाती है एंड इन चीजों को पढ़कर वो काफी ज्यादा शॉक में थे। उन्हें अब मैरी का गोस्ट हॉन्ट करने लगता है एंड वो उन्हें उनके ही चर्च में लटकाकर मार डालती है। बिशप गेल्स को ये सिर्फ एक सुइसाइड लगता है जिसकी न्यूज को वो जेरी की मदद से दबा देते हैं। उसे वो हार्ट अटैक डिक्लेयर करते हैं। एलिस को भी वो वैसी ही बात बताते हैं जिससे वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। वो जेरी को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रही थी जहाँ पर जेरी उससे इनडायरेक्टली पूछता है कि शायद मैरी डिमोनिक भी हो सकती है। वो उससे फादर हेगन की वार्निंग को भी कहता है। इंटरव्यू के दौरान ही एलिस फिर से पोजेशन के स्टेट में जाती है। वो ये कहती है कि डाउट श्रद्धा को कम करता है, इससे श्राप लगता है। बेसिकली वो उस पर बिना शक किए ही यकीन करने के लिए कह रही थी। जेरी बीइंग अ वेटरन जर्नलिस्ट ये जान चुका था कि दाल में कुछ तो काला है। वो रात में इंटरव्यू की वीडियो को स्लो मोशन में रिवाइंड करके देखता है और उसे क्लियरली वही ब्लैक फेस वाली स्पिरिट दिखाई देती है। उसके साथ ही उसका कंप्यूटर करप्ट होकर बंद भी हो जाता है एंड वो स्पिरिट उसको डरा देती है। अगले दिन जेरी नैटली को लेकर चर्च के आर्काइव्स में जाता है जहां पर उसे फादर हेगन की वही डायरी मिलती है जो कि बेसिकली यहां पर 1845 वाले प्रीस्ट की थी। 1845 में मैरी नाम की एक लेडी थी जो कि डेविल वर्शिपर थी। उसने भी कई सारे मिरेकल्स किए थे। मिरेकल्स के बदले वो लोगों की सोल पर कब्जा कर लेती थी। उसने डेविल से डील की थी, जितनी ज्यादा सोल्स उसे मिलेंगी उतनी ही ज्यादा ताकतवर बनती जाएगी। और इसी कारण से उस टाइम के प्रीस्ट ने उसको कैप्चर करके जला दिया था। उसकी सोल को कर्न बेबी डॉल में कैद कर दिया था। उसे अब क्लियरली सब कुछ पता चल जाता है। तभी उस आर्काइव के अंदर जेरी एंड नैटली पर ये गोस्ट हमला करती है। लेटर ऑन ये दोनों वहां से भागते हैं जहां पर उसे अब उसकी पुरानी जॉब वापस मिल गई थी। जेरी अब एलिस की न्यूज को टेलीकास्ट नहीं करना चाहता था एज उससे उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ सकती थी, बट मोनिका फिर भी टेलीकास्ट कर देती है। न्यूज में टीआरपी ही भगवान है। एंड यहां पर एलिस मैरी के कहने पर रात को बहुत बड़े फीस्ट का आयोजन करती है। लेटर ऑन जेरी डायरी को लेकर बिशप गेल्स और फादर मॉनसिनियर के पास जाता है। बिशप गेल्स हंसते हुए ये कहते हैं कि ये सब मुझे पहले से ही मालूम था, एज इसके रिकॉर्ड्स हमारे पास पहले से ही थे। यहाँ पर बिशप गेल्स एक श्राइन बनाना चाहते थे एज इससे चर्च के पास पैसा ही पैसा होने वाला था। उनके मुताबिक लाखों लोग इसे विजिट करने आने वाले हैं। फादर मॉनसिनियर को भी ये बात सुनकर शॉक लगता है एज ये क्लियरली पॉलिटिक्स थी। फेथ को अपने फायदे के लिए बिशप यूज कर रहे थे। जेरी उन्हें एक्सपोज करने की बात भी करता है बट उसकी क्रेडिबिलिटी बिशप के सामने कुछ भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे एक सेकंड चांस दिया था। एज यहाँ पर फादर बिशप एक बात जानते थे कि अगर ये बात फेक भी निकली तो जेरी इसको सच साबित कर देगा, बट अल्टीमेटली ये फेक की जगह रियल हो गया। अब जेरी चर्च के कुछ आर्काइव्स को भी पढ़ता है। उसमें मैरी का एक स्टेटमेंट था। वहाँ पर ये लिखा हुआ था कि मैरी का एक बेटा भी था एंड मैरी ने डेविल के साथ में डील की थी जिसके मुताबिक उसकी सोल सिर्फ उसकी ही ब्लड लाइन को पजेस कर सकती थी। उसने एलिस को इसलिए पजेस किया था क्योंकि वो उसी की वंशज थी। एंड ये सारी बातें जेरी फोन पर नैटली को बता रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर इंटरफेरेंस होने लगती है क्योंकि वहाँ पर मैरी का गोस्ट आकर उस पर हमला करने लगता है। तभी वहाँ पर फादर मॉनसिनियर टाइम पर आकर उस पर एग्जॉर्सिज्म करते हैं और उसको भगा देते हैं। अब उनको भी जेरी की बात पर यकीन हो जाता है और वो भी मैरी की ईविल स्पिरिट को कर्न बेबी में ही कैद करने का प्लान बनाते हैं। उधर एलिस ने शहर के सभी लोगों को वहां पर बुलाया था। उनको अपनी श्रद्धा को मैरी के प्रति समर्पित करने के लिए कह रही थी और इसे मोनिका लाइव टेलीकास्ट कर रही थी जिसे लाखों लोग देख रहे थे। अब जैसे ही फादर मॉनसिनियर रिचुअल करने के लिए तैयारी करते हैं उनके सामने का क्रूसिफिक जलने लगता है जो कि उनकी ही होली मैच स्टिक से जल गया था। उसकी आग उन पर भी फैल जाती है और वो जलकर मर जाते हैं। मैरी की ताकत यहाँ पर बढ़ने लगी थी इसलिए उसे रोकना अब काफी ज्यादा जरूरी था। अब जेरी यहाँ पर एक धांसू प्लान बनाता है। मैरी की जो ताकत थी वो लोगों की श्रद्धा पर निर्भर थी। यदि वो उसको तोड़ देता है तो उसकी ताकत कम हो सकती थी, इसलिए वो और नैटली वापस चर्च साइट पर जाते हैं जहां पर कई सारे लोग थे। नैटली एलिस को साइन लैंग्वेज में समझाती है कि मैरी ईविल है, उसकी बात मत सुनो। जेरी वहां पर आए सभी लोगों से झूठ बोलता है कि ये सब मिरेकल एक होक्स है। वो एलिस से ये कहता है कि उसका बहरापन अपने आप ही हील हो गया था। वो उस बच्चे के पैर को ठीक होना एक प्लेसिबो इफेक्ट बताता है। वो सभी से अपने फेथ को गॉड में ही रखने के लिए बोलता है। यहां पर जेरी क्लियरली झूठ बोल रहा था एज मिरेकल सच में हुए थे।
लेकिन मैरी की ताकत को कम करने के लिए उसे झूठ बोलना पड़ा। बट यहाँ पर ये जो झूठ था वो 100 सच के बराबर था। एंड सबसे अच्छी बात ये थी कि उसकी इमेज एक फेक न्यूज मेकर की ही थी। जब वो सामने से आकर ये कहता है कि ये सब फेक है तो लोग उस पर यकीन करने लगते हैं, एज उसने ऐसा पहले भी किया था। एलिस को भी अब जेरी एंड नेटली की बात समझ में आ जाती है और वो भी पब्लिकली सबको मैरी के खिलाफ कर देती है। यहाँ पर एलिस अभी भी एक टीनेजर ही थी। उसका बहरापन दूर तो हो गया था लेकिन वो मैरी के बहकावे में आ गई थी, एज वो उसकी ही वंशज थी एंड क्लियरली वो यहाँ पर एक विक्टिम बन रही थी। अब जैसे ही लोगों का फेथ मैरी के ऊपर से कम होता है, मैरी गुस्से में उस पेड़ से बाहर आ जाती है। वो सबको डराती है और सबसे पहले तो वो बिशप गेल्स को मारती है, एज उसने अपनी सोल को उसको पहले ही दे दिया था। वो उसकी सोल को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेती है और उसकी बॉडी को एशेस में कन्वर्ट कर देती है। अब वो जेरी पर भी हमला करने आती है बट एलिस जेरी के सामने आकर उसे बचा लेती है। अब मैरी अपनी ही वंशज एलिस पर हमला कर देती है जिससे मैरी की सोल जलकर खत्म हो जाती है। तभी हम ये देखते हैं कि मैरी की सोल खत्म होते ही एलिस की भी जान चली जाती है। लेकिन यहाँ पर जेरी पहली बार गॉड से ये दुआ करता है कि वो एलिस की जान को बचा लें एंड सडनली एलिस जिंदा हो जाती है। बट यहाँ पर उसकी बोलने और सुनने की शक्ति चली गई थी, जिससे होता ये है कि एलिस पर लगा हुआ कर्स खत्म हो जाता है। जेरी एलिस को उसकी लाइफ बचाने के लिए थैंक्स कहता है एंड लेटर ऑन सभी मिलकर फादर हेगन के ग्रेव पर अपनी रेस्पेक्ट प्रकट करते हैं। लेकिन तभी चर्च के अंदर हम ये देखते हैं कि मदर मैरी की आंखों से फिर से ब्लड आता है, जो कि इस बात की तरफ इशारा हो सकता है कि ऐसे फेक प्रॉफिट्स हमेशा आते रहेंगे एंड हमको उन पर भरोसा नहीं करना है। या फिर ये भी हो सकता है कि मैरी की स्पिरिट अभी तक खत्म नहीं हुई थी। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म द अनहोली की कहानी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।